हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करी पत्ते, धनिया पत्ते और हरी मिर्च को स्टोर कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे स्टोर कैसे करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करी पत्ता को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ करी पत्ते लिए हैं। करी पत्ते अक्सर जल्दी नहीं मिलते हैं, ये उन्हीं के घर मिलते हैं जिन्होंने इनका पेड़ लगाया हो, या फिर कभी कभी आपको ये मार्केट में भी मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी करी पत्ते ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं और इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए तरीके से इसे स्टोर कर सकते हैं। करी पत्ते को सबसे पहले हम इसके डंठल से अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप करी पत्ते को डंठल से अलग कर लें, एक एक करके। करी पत्ते को मैंने डंठल से अलग कर लिया है। अब हम इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम इसे पानी से वॉश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है। अब हम इसे सारे करी पत्ते को इसमें डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे। तो इसे अच्छे से धो लें चारों तरफ से ऐसे। इसे हमें एक से दो पानी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से साफ़ कर लें। यहाँ मैंने करी पत्ते को अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है। इस तरीके से आप इसे साफ़ कर लें। और यहाँ पे मैंने एक कॉटन कपड़ा लिया है। आप इस तरीके का कोई कपड़ा ले लें या फिर आप इसकी जगह टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें सारे करी पत्ते को रख के इसे अच्छे से सुखा लेंगे, इसका पानी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ध्यान रहे, इसमें एक भी पानी का बूंद नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लें। यहाँ मैंने करी पत्ते का पानी अच्छे से कपड़े से सुखा दिया है। अब हम इसे एक बर्तन में रख के इसे पंखे के हवा में सूखने के लिए 2 घंटे के लिए डाल देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमें धूप में नहीं डालना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही सूख जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसे हमें 2 घंटे के लिए पंखे के हवा में ही सुखाना है। तो इस तरीके से आप इसे बर्तन में ले लें और इसे पंखे के हवा में सूखने दें। ये देखिए दोस्तों, करी पत्ते को मैंने अच्छे से सुखा लिया है। ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, इसमें एक भी पानी का बूंद नहीं है। अब हम इस टाइप का कोई कंटेनर लेंगे और इसमें करी पत्ते को डाल के स्टोर करेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का कंटेनर नहीं है तो आप कोई ग्लास का कंटेनर या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। अब हम डब्बे के ऊपर कोई कॉटन कपड़ा लगा देंगे या फिर इस टाइप का कोई पॉली बैग लगा देंगे। ये पॉली बैग आपको मार्केट से कोई सामान लेने पे मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह टिश्यू पेपर लगा के इस तरीके से आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे फ्रिज में डाल के महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके ऊपर जो भी पानी का बूंद आएगा ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ये करी पत्ता महीनों तक ऐसे ही रहेगा। अब हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम धनिया पत्ते को स्टोर करके हफ्तों तक इसे यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी हम मार्केट से ढेर सारे धनिया पत्ते ले आते हैं और वो एक दिन में बिल्कुल ही सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ धनिया पत्ते लिए हैं। इसे अच्छे से आप साफ़ कर लें, इसमें जो भी ख़राब पत्ते हैं उन्हें निकाल दें इस तरीके से, और इसके नीचे वाले भाग को आप काट दें। इसके जो रूट है उन्हें काट देना है और इसके डंठल को हमें रहने देना है। तो इस तरीके से आप कर ले इसे। और यहाँ पे मैंने ग्लास में कुछ पानी लिया है और इसके डंठल को मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरीके से आप इसे डाल के आप इसे फ्रिज में डाल दें और इसे आप हफ्तों तक यूज कर सकते हैं, ये जल्दी नहीं मुरझाते हैं। अब हम जानेंगे कि हम हरी मिर्च को स्टोर करके कैसे एकदम इसे ताज़ा रख सकते हैं। वैसे तो हमें हरी मिर्च को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे हम रोज़ मार्केट से ले आते हैं। लेकिन हम जैसे ही इसे मार्केट से लाते हैं ये 1 या 2 दिन में इसके कलर चेंज होने लगते हैं या फिर ये सड़ने लगता है। तो इसे आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्च लिया है। इसके सारे डंठल को हम तोड़ लेंगे क्योंकि ये डंठल से ज़्यादा सड़ते हैं। तो इस तरीके से सारे डंठल को तोड़ लें, ये मैंने तोड़ लिया है यहाँ पे। अब हम इसे एक कॉटन कपड़ा में रख के इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें जो भी पानी हो वो सूख जाए। तो इस तरीके से आप साफ़ कर लें इसे।
यहाँ मैंने हरी मिर्च को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसके पानी को मैंने अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इस टाइप का कोई कंटेनर लेंगे या फिर टिफिन का डब्बा लेंगे, आप चाहे तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक कॉटन कपड़ा रख देंगे या फिर आप इस तरीके का कोई भी पॉली बैग रख सकते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसकी जगह टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे फ्रिज में डाल के आप इसे महीनों तक यूज कर सकते हैं, इसका कलर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।